छात्र राजनीति वह पड़ाव है जहाँ पर देश को प्रदेश को एक सफल राज्यता मिलता है हाल फिलहाल हम जयपुर में हैं जयपुर में एनएशुआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं हम उनसे वरुण चौधरी उनसे बात कर लें और युवाओं के लिए विशेष क्या संदेश हैं क्या उनकी एनुष्ई की मानसिकता है हर किस प्रकार से वो काम करना चाह रहे हैं हम बात करते हैं वरुण पहले से आप सबसे पहले गुलाबी नगरी जयपुर में स्वागत है आपका बहुत बहुत आप, बहुत बहुत सबसे पहला सवाल मेरा यह था कि किस प्रकार देखते हैं राजनीति युवा राजनीति में आ रहा है लेकिन शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अपना रहा है शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपना रहा है और मैं खुद छात्र जीवन में राजनीति करके आया हूँ इसलिए मैं आज अनिश्वर का राष्ट्राध्यक्ष भी हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रंग का चुनाव लड़ा और उसके बाद संगठन में काम करके आज यहाँ हूँ तो मैं देखो राजनीति ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को तय करती है जब आपका जन्म होता है तो राजनीति में पता लगता है आपका जन्म कहाँ पे हुआ है और जन्म के बाद आपको कहाँ नौकरी मिलेगी आपका जीवन कैसा बीतेगा ये सब चीज़ें आपके जो देश में राजनीति चल रही है वो लोग तय करते हैं आपको पता होगा तो इसीलिए खास तौर पर जो छात्र हैं उनको राजनीति में रुचि ज़रूर लेनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव हम देश भर में मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और मैं अभी पीछे आप मीडिया के माध्यम से नहीं बोला अगर छात्र नेता राजनीति नहीं करेंगे क्या अंबानी और क्या बोलते हैं अडानी राजनीति करेंगे भाई छात्र नेता ही राजनीति करेगा ना तो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए छात्रा ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं आपकी सरकार ने बंद किए थे लेकिन अब हम मांग करते हैं जब भी हमारे पदाधिकारी विनोद जाखड़ में से हैं तो और भी कुछ पदाधिकारी साथ हैं जब भी हमने मांग करी थी कि छात्र संघ चुनाव वापस खोले जाएं और अब हम दोबारा इसको और मजबूती से मांग करें छात्र संघ चुनाव खोले जाएं। बीजेपी की सरकार है लेकिन छात्र संघ जो चुनाव है उन पे आपने फोकस किया है अगर वो नहीं करती है तो अगर नहीं करेगी तो हम बड़ा इस पर जन आंदोलन करेंगे और छात्र संघ चुनाव के साथ साथ हमारी और दो मांगे हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले बीजेपी एक नई स्कीम लेके आई थी अग्निपथ स्कीम आपको पता है राजस्थान भी वीर भूमि है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे छात्र हैं या ज़्यादातर जो पदाधिकारी हैं उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे या तो उनका बैकग्राउंड होगा वो उनकी जो परिवार है मतलब वो आज भी खेती कर रहे होंगे या तो किसान परिवार के लोग हैं या फिर देश की जो आर्मी में उनके परिवार के लोग होंगे तो एक अग्निपथ स्कीम ऐसी स्कीम आई है कि छात्रों का युवाओं का सपना तोड़ने का काम कर रही है कि चार साल में वो हमारे जवान को कह रहे हैं आप रिटायर हो जाओ तो उस स्कीम को जब तक स्क्रैप नहीं करेंगे तो हम छात्रों के बीच में जाएंगे उस पॉलिसी के बारे में बोलेंगे कि जल्द से जल्द बीजेपी उस पॉलिसी को स्क्रैप करें और जैसे ही मैं राजस्थान में, में आया तो मुझे पता चला बीजेपी की सरकार बनते के साथ ही राजस्थान में छात्र सड़कों पर आगे आंदोलन करने लगे तो मुझे लगता है राजस्थान के छात्रों को यह आभास हो गया कि जैसे देश में छात्रों का सपना तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है तो उन्हें अंदर से फील होने लगा कि अब यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई तो वो काम बीजेपी यहाँ भी करेगी पिछले तमाम छात्र सड़कों पे आ गए थे आपने देखा और अभी भी कई आंदोलन चल रहे हैं राजस्थान में बिल्कुल सही बात कहा मैं इसी सवाल कहाता हूँ आपसे कि जैसे बीजेपी सत्ता में आई है और जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब तमाम युवा रोजगार बेरोजगार थे युवा थे छात्र थे महिला थे उन पर मुद्दा बनाया था प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी लेकिन आज वो विशेष दो वर्ग है वो सड़कों पर आंदोलन रहते हैं आं उनको अपना ठगा महसूस कर रहे हैं वो उनको समझ आ गया कि जैसे देश में बीजेपी छात्रों को युवाओं को बात करने का काम करिए बेरोजगारी आपके सामने है रेलवे की भर्तियाँ मेरी कल में जब मैंने अपना पोस्ट डाला मैं आपको साझा करना चाहूँगा सोशल मीडिया पर कि मैं जयपुर आ रहा हूँ तो रेलवे के एक बच्चे ने मुझे मैसेज करा कि रेलवे की भर्तियाँ निकली नहीं है निकली हैं तो पाँच निकली हैं और पाँच लगभग पाँच लाख लग पद खाली पड़े हैं रेलवे के तो उनको अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं पहले ये था कांग्रेस की सरकार थी तो छात्रों में डर कम था नौजवानों में डर कम था कि कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी कुछ छात्रों के भविष्य की बात होंगी नौकरी की बात होंगी अपने कोर्ट में देखा कैसे हमारी पॉलिसी यहाँ पे काम करी कैसे नौकरी देने का काम करा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप सबके सामने है तो छात्रों को एक सहयोग लगता था लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई है छात्रों को ठगा महसूस हो रहा है और जैसे बीजेपी ने सेंटर में जो चीज़ें करी केंद्र में जो करा वो चीज़ें उन्होंने स्टेट में लागू करने का छात्रों के इसलिए वो आपके सामने रोश में सड़कों पर क्या कहेंगे आप लगातार जो छात्र राजनीति हो रही है राजनीति को गंदा भी मानते हैं लोग लेकिन छात्र राजनीति शुरुआत है सफल राजनीति की देखो छात्र छात्र राजनीति को गंदा दो तरीके के लोग मानते हैं एक तो जो बिज़नेस व्यापारी है जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको पता है कि अगर छात्र एक बार जाग गए आप देखें जब जब छात्र जागे देश में गांधी जी ने राजनीति अपनी शुरुआत करी जब तो आप देखेंगे वो दो साल तक पूरे देश का उन्होंने ब्रह्मांड करा उसके बाद उनका पहला भाषण महात्मा गांधी जी का पता क्या हुआ था जब बी एच यू बनास हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी तो उन्होंने अपना भाषण वहाँ से शुरू करा और गांधी जी का भी जो जन आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा जो अग्रिम भूमिका थी वो देश के छात्रों की नौजवानों की थी तो बीजेपी को भी और कुछ ऐसे उद्योगपति को डर लगता है कि अगर छात्र एक हो गए और छात्र राजनीति अग्रीम पे आ गई तो तमाम उनकी मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी तो इस बात से डर लगता है वो लोग छात्र राजनीति को गंदा मानते हैं मैं बिल्कुल गंदा नहीं मानता मैं हर एक छात्र छात्राओं को बोलता हूं कि आपको राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए और हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यह दूरदृष्टि थी कि इक्कीस साल से लेके उन्होंने अट्ठारह साल उम्र करी वोटिंग राइट देने की जब एक नौजवान अट्ठारह साल में वोट देने का राइट वो कर सकता है तो अठारह साल की उम्र में राजनीति क्यों नहीं कर सकता एक सवाल आपसे अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके साथ अभी पहुंचे हैं जयपुर और विभिन्न जो छात्र संघ है वो भी उन्होंने कुछ जैसे निर्मल की बात कर ले समर्थन कर रहे हैं क्या कहेंगे वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे वो हमारी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं पहली चीज और वो उन तमाम मांगों का सपोर्ट कर रहे हैं जैसे आपको मैंने बताया कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं हमारे किसान धरने पर बैठे हैं उन किसानों के न्याय की वो बात कर रहे हैं इसलिए वो हमारी विचारधारा से भी जुड़े वो पहले भी हमारी विचारधारा के थे लेकिन आज ऑफिशियली वो एन का हिस्सा बन गए और उनकी भी वही मांग है जो हमारी मांग है तो उस हमने एक जन आंदोलन भी बनाना है और तमाम और भी छात्रों को बताना है तो उसी चीज़ से प्रेरित होकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं आपने देखा होगा खासतौर पर वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं उन सब चीज़ें प्रभावित हो निर्मल ने भी निर्णय लिया कि वो अनुसाई का हिस्सा बने और देश भर में इस आंदोलन को खड़ा करें ये थे हमारे साथ वरुण चौधरी ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं यहाँ पहुंचे हैं के और तमाम छात्र संघ है है। हैं और छात्र नेता हैं उनको संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि अनुसुआई जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ कोई भी या ये कहें कि अत्याचार नहीं होगा छात्र के जो हित हैं उन पर नहीं होगा ऐसे में आप देखने वाली बात योगी सरकार जो है इनकी मांगों को कहाँ तक मानती है कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल नगरी मीडिया जयपुर